हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे ए टू जेड अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज फिर से नया एपिसोड लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग वाला वीडियो। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारा मेरे नए चैनल को काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट दिया। और गाइस, मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक गलती किया था जो सो सो वर्ड बहुत बार बोला है, तो मुझे एक फ्रेंड और एक दीदी ने मुझे रियलाइज़ करवाया। तो इस बार से मैं थोड़ा वो वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं करूँगा। और मेरे पिछले वाले वीडियो जितने भी थे, आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद गाइस। उम्मीद है गाइस, आप लोगों ने जिस तरह से मेरे चैनल को शेयर और सपोर्ट किया और गाइस मेरे चैनल को जितना सारा प्यार दिया, उम्मीद है नेक्स्ट वाली वीडियो जो भी आएगा मेरे चैनल पे, आप लोग हर कोई वीडियो में इसी तरह से मेरे मुझे प्यार और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, आज का अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही मस्त है, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग ये देख सकते हैं, इसका प्राइस 399 रुपीज़ टोटल, 399 रुपीज़ में मैंने परचेस किया है। और ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए गैस, जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। और गैस, अमेजोन ने बहुत बढ़िया तरीके से पैक करके भेजा है, बहुत ही बढ़िया है पैकेज। गैस, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है पोर्टोनिक्स रफवर्ड 8.5 रिराइटेबल LCD पैड। और गैस, यहाँ पे यूज़ किया है ईजी राइटिंग, सेफ ट्री, पोर्टेबल मैग्नेट डोर्स। ये रफ पैड अराउंड 2 ईयर्स तक बैटरी लाइफ, मतलब 2 ईयर्स तक इसका बैटरी लाइफ चलेगा। गाइस, ये जो पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, ये बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अभी आपके सुविधा के अनुसार किसी भी लोहे का चीज़ में आप लोग चिपका के ऐसे लिख सकते हैं, और अपना सुविधा के अनुसार, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया से अटैच हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग करूँगा, आप लोग देख सकते हैं मैंने एप्पल लिख दिया। और लिखने के बाद मतलब ये डिलीट नहीं हो रहा है, देखिए बार बार प्रेस कर रहा हूँ और ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण जो ये बैटरी में ऊपर की तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है, इसे निकाल देने से बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में ये आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका बैटरी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से, इसका बैटरी का स्वैप कैसा है। और ये मैंने प्लास्टिक निकाल दिया, अभी वर्किंग कंडीशन में ये आ गया। और चलिए इसका मैं बैटरी भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो बैटरी इस टाइप का होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे जल्दी से बैटरी फिर से अटैच कर देते हैं, और अभी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है आप लोगों को मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने डिलीट के बटन प्रेस किया, सिंपल सा डिलीट हो गया। तो इसको चलाने बहुत ही इजी है, देखिए मैं फिर से स्क्रीन में टाइगर लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर से लायन लिख दिया। और ये इसे मिटाने के लिए इतना ईजी है, सिंपल सा डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, बस डिलीट हो गया। ये रफ पैड बहुत ही पतला सा है, आप लोग देख सकते हैं। और गैस, इसमें सब कुछ मस्त है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जो कि आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे लिखने के बाद आप लोग के ये पीछे का जो हिस्सा है वो मतलब गलत हो गया। गलत होने के बाद इसे डिलीट करने के लिए फिर से एक्स्ट्रा बटन होना चाहिए था, लेकिन ये मिडिल का जो डिलीट बटन है, इसे करने से टोटली डिलीट हो जाता है। तो थोड़ा ये अच्छा वाला फैसिलिटी नहीं लगा, इसके लिए एक्स्ट्रा सा एक बटन होना चाहिए था। और उसके बाद ये जो भी फैसिलिटी है मस्त है गाइस, और छोटे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर ये प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।